अब मैं अपने साथी मोहतरम जनाब हाफिज़ कारी मोहम्मद कुदरतुल्ला साहब को दावत स्टेज देते हैं कि वाय अपने तकरीर और बयाना से हम तमाम सामीन को सरफराज फरमावें الحمد لله الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين والصلاة والسلام أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون सद्ज़ीम मेरे मोहतरम बुज़ुर्ग और दोस्तों ये मजलिस बहुत अहमियत है ये मजलिस बहुत अहम है हमारे लिए ये मजलिस का म, ये मजलिस आकए मदनी सरकारी अलैहि वसल्लम एक मरतबा बयान कर रहे थे ये बता रहे थे कि ये मजलिस वो मजलिस हैं जहाँ पे दीन की बातें होती हो, जहाँ पे अल्लाह और उसके रसूल की बातें होती हो, वो मजलिस जन्नत के बाग है गोया कि हम लोग जन्नत के बाग में बैठे हुए हैं साहबा कराम के तराज़ हुआ ये इश्काल हुआ कि अल्लाह के नबी सल्हुसम ये मजलिस जन्त के बाग कैसे हो सकते हैं अल्लाह के नबी सल्हुस ये मजलिस कैसे हो सकत के बाग कैसे हो सकते हैं हालाँकि माल जन्नत को आँख ने देखा भी नहीं वला उजन समियत किसी कान ने जन्नत को सुना नहीं वला खतरा अला कल बशर किसी के दिल पर जन्नत के खटका तक नहीं गुजरा तो ये मजलिस जन्नत के बाग कैसे हो सकते हैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सुनो वो मजलिस हैं जहाँ पे दीन की बातें होती हो जहाँ पे अल्लाह रसूल की बातें होती हो वो जन्नत के बाग हैं और उस बाग़ में यानी उस मजलिस में दीन की बातें सुन लेना ये जन्नत के फल मेवे खाने के मिसल हैं गोया कि हम लोग यहाँ पे बैठकर बेकार नहीं बैठे हुए हैं बल्कि हम यहाँ जन्नत के बाग़ में बैठे हुए हैं और जो दीन की बातें सुन रहे हैं वो जन्नत के मेवे और फल खा रहे हैं बोलिए माशा बहुत अच्छा मेरे महतरम अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है हम पर वो यूँ कि अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान बनाया अल्लाह का ये बहुत बड़ा एहसान हुआ कि हमें मुसलमान बनाया इससे बढ़कर रहम करम ये हुआ कि हमें अपने प्यारे हबीब सरकार वसल्लम की उम्मती में पैदा फरमाया मेरे मोहतरम जब अल्लाह के जब हमें अल्लाह ने इतनी बड़ी नमतें अता की हम पर इतना बड़ा एहसान व करम का मामला फरमाया तो अब हमारा काम क्या होना चाहिए आखिर हमारा काम क्या होना चाहिए अल्लाह ने जब हम पर इतना बड़ा एहसान किया तो अब हमारा काम ये होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने जिस मकसद के लिए जिस मकसद के तहत हमारे हमें और आपको पैदा फरमाया है उस मकसद के तहत हमारी ज़िंदगी गुजरनी चाहिए जिसका नक्शा कुरान में खींचा गया है वह मैं ख़लक ज्जन्न न वन सबून हमने इंसान और जिन्नात को महज अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया मेरे मोहतरम आपको पता है कि अल्लाह के, अल्ला के मतलबा इबादत की कई किस्म हैं अल्लाह है के जो मकसद है अल्लाह की इबादत की जो मतलबा इबादत है उनकी कई किस्म है मसला नमाज रोज़ा जक़ात हज मगर इन सारी इबादतों में सबसे अफजल और सबसे अहम इबादत वो नमाज है इसलिए कि नमाज ही से हमें पहचानी जाती है नमाज से यही नमाज है नमाज से आकाए नद... आकाय मदनी सरकार की आंखों को ठंडक पहुंचती है यही नमाज़ है जिससे हम मुनकिरात से बचते हैं आज हमें अंदाज़ा लगाएँ आज हमें अंदाज़ा लगाएँ कि हमारा ईमान किस कदर कमज़ोर हो गया है हम अपने दिल पर झांक के देखें कि हमारा ईमान किस कदर कमज़ोर हो गया है अगर आज मच, आज अगर गांव में कोई तमाशा दिखाने के लिए ऐलान कर दें तमाशा बीनी के लिए कोई ऐलान कर दें तो हम तमाशा देखने के लिए टूट पड़ेंगे और अपने साथ अपने बच्चों को भी लेकर चले पड़े चल पड़ेंगे लेकिन एक महजिन चीख चीख कर पुकार पुकार कर ये ऐलान कर रहा हो हया अल सलाह आओ नमाज़ के लिए आओ हया अल फ़लाह आओ कामयाबी की तरफ़ आओ लेकिन हम वहाँ जाने से गुरेज करते हैं और चौक चौराहे पर बैठ के वक्त ज़ाय कर देना तो पसंद करते हैं मगर खुदा का वो घर जहाँ पे रहमतें जहाँ पे अल्लाह और रसूल से लो लगाने का मौका मिलता है हम वहां जाने से गुरेज करते हैं और होटलों और दुकानों में बैठ कर वक्त जाय कर देते हैं कितनी बेशर्मी की बात है आज हमारे ऊपर जो मसायब और आलाम आ रहे हैं ये हमारी बदामालियों की वजह से आ रहे हैं रिवायत में आता है मैं एक मैं एक वाक़ बयान करता हूँ रिवायत में आता है कि हजरत सलाम का गुज़र एक बस्ती से होता है सुनिए गौर से सुनिए वाकया बहुत ही अहम है सुनिए एक सलाम का गुज़र एक बस्ती से होता है वो बस देखते हैं कि सलाम के वो बस्ती बहुत खुशगवार नज़र आ रहे थे वहाँ के लोग बहुत चहल पल हरियाला यानी कि बहुत सी खुशगवार मौसम खुशगवार देखने को मिल रहा था हज़रतम को ये देखकर बड़ा तजुब हुआ लेकिन चंद सालों के बाद जब हजरत हज़रतसी का गुज़र फिर उसी बस्ती से होता है देखते हैं कि सारे मकाना ढह चुके हैं दरख्त दरख्त गिर गई मकाना ढह चुकी है समुंदर खुश्क हो गई बड़े बड़े मकाना गिर गए जब हज़रत ईसा सलाम ने यह देखा तो बड़ा ताजुब हुआ आखिर ये कैसे हुआ अचानक ये कैसे सारे बस्ती हलाक हो गया तो गायब से आवाज़ असा अशा सुनो ये ताजुब की बात नहीं सुनो इसमें ऐसा हुआ कि एक बेनमाज़ी का गुज़र इस बस्ती से हुआ इस एक बेनमाजी का गुज़र इस बस्ती से हुआ उस बेनमाजी ने अपना हाथ उस समुंदर में रखा बेनमाजी ने अपना हाथ समंदर में रखा जिसकी नहुसत के बिना पर सारा समुंदर खुश्क हो गया उस समंदर की वजह से खुश्क होने की वजह से सारे मकान सारे दरख्त खुश हो गए और सारे के सारे मुनहमिक हो गया बताइए ईसा ईसीम उस जमाने में जब एक बेनमाजी की वजह से इतनी बड़ी बस्तियां हलाक हो सकती है तो आज हमारे बस्ती में जो इतने बेनमाज़ी घूम रहे हैं ये तो हमारे आ, खुदा का शुक्र है कि ये आक मतनी सरकार सल्लल्लाहु के सद के तुफेल में हमें आज़ाब नहीं आ रहा है मेरे महतरम हम अपनी ज़िंदगी में नमाज़ को लाएं ये नमाज नमाज ही हमें पहुंचाएगी नमाज ही हमारे ईमान ईमान का सबसे अहम खीमा है इस्लाम का सबसे अहम ख़ीमा है इसलिए तमाम भाइयों तमाम भा... दोस्तों और बहनों से गुज़ारिश है ख़ास तौर से आज हम आजकल हमारी माए बहनों को कुछ पता नहीं होती है नमाज कितनी है नमाज के फरज़ कितने हैं हमारे ऊपर क्या क्या, क्या फ़र्ज़ है क्या कितने फ़राइज हैं कुछ पता नहीं है बरए अल्लाह का वास्ता देकर कहता हूँ ख़ास तौर से अपने घर पे ध्यान दें हमारी बहनों को ख़्याल रखें हमारी बहनों का जायज़ा लें कि वो नमाज़ पढ़ रही है कि नहीं हमारी वालिदा को देखें अगर हम नमाज पढ़ रहे हैं और अपने बच्चे को फर्मा बरदार बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को फर्मा बरदार यानी अल्लाह रसूल की बात को मानना पड़ेगा उसके बाद ही आपकी औलाद आपकी बात को सुनेंगे अगर आप मस्जिद तक जाते हैं तो आपकी औलाद भी मस्जिद तक जाएंगे। अगर आप अगर आप मस्जिद तक नहीं जाते हैं तो आपकी औलाद मस्जिद नहीं जाएगी आपका घर आपका जो मुशरा है वो तबाह हो जाएगा बस मैं इन्हीं बातों पर अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ वाखर उदादुल्ल रबालमी माशाल्लाह बहुत कम वक्त में अच्छी नसीहत भाई ने की